Magnification and tube length of a telescope for normal arrangement are 4 and 20 cm respectively. Find the focal lengths of the lenses. देखो हमसे कहा है कि एक टेलीस्कोप में नॉर्मल अरेंजमेंट की बात करनी है जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है, तो उसमें हमें मैग्नीफिकेशन यानी कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 4. सो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बने यानी कि नॉर्मल अरेंजमेंट, इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान होगा, ये होता है एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस को मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये हमें 4 मिला है. और दूसरी बात, ट्यूब लेंथ हमें दी हुई है 20. ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा नॉर्मल अरेंजमेंट के लिए, एफ ओ प्लस एफ ई. एफ ओ की वैल्यू और एफ ई की वैल्यू हमें पूछी हैं और ट्यूब लेंथ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर. तो बच्चों हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दो ही इक्वेशंस हैं, तो बहुत ही ईजिली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ से एफ ओ की वैल्यू निकाल लूँ तो एफ ओ विल बी 4 टाइम्स ऑफ एफ ई. ये एफ ओ की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 4 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास हो गया 5 एफ ई इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड एफ ई इक्वल्स टू 20/5 यानी कि 4 सेंटीमीटर. तो आई पीस की फोकल लेंथ तो आ गई 4 सेंटीमीटर. अब आई पीस की मिल गई तो उसको यहाँ पुट करके ऑब्जेक्टिव की भी बता सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 4 टाइम्स ऑफ आई पीस, तो 4 × 4 तो आ जाएगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर. ये हमारा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होगी. सो दीज आर आंसर्स.